हेलो माय फ्रेंड्स, मैं उत्तम मोदी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्तम मोदी लर्निंग पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो चैप्टर कवर करेंगे वो हमारे पिछली कैटेगरी का कंटिन्यूशन है। जैसे कि हम लोग पहले SFM के थ्योरी चैप्टर्स को कवर कर रहे थे, अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस एग्जाम के बाद में आप जैसे दोस्तों का, ठीक है। तो जो चैप्टर बच गए हैं, 2-3 थ्योरी के चैप्टर रह रहे हैं हमारे, वो चैप्टर भी हम लोग कवर कर लेंगे ताकि हमारे फर्दर जो दोस्त है उनको हेल्प मिल सके। अभी इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे उसका नाम है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। देखिए बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये चैप्टर जनरली बताता है कि पॉलिसी जो है वो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ में मिलकर कैसे काम करती है। बेसिकली हम लोग सब जानते हैं फाइनेंस को मैनेज करना फाइनेंशियल पॉलिसी का गया है, और उसको कहां कैसे लाना है, कैसे यूटिलाइजेशन करना है, इन सबको स्ट्रेटजी के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इन दोनों को कैसे मर्ज करके एक बिजनेस काम चलाता है। मैं आपको इसका ओवरव्यू जनरली ऐसे देना चाहूंगा कि बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है, गोल जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करें ताकि हायर द रिटर्न हमें रिसीव हो, ठीक है। उसके बाद में हम ये अचीव करना चाहते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे जो कहते हैं ना कैपिटल मिक्स जो है वो प्रॉपर बन सके, कितना डेट लाना है, कितना इक्विटी लाना है, वो सब चीजें हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको मैनेज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हमारी बुक से। ये नोट्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा चैप्टर कहता है कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, स्ट्रेटेजी एक तो इंक्लूड की जाती है, एक बिजनेस को चलाने के लिए स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है और फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड, अगर आपके पास मान लीजिए स्ट्रेटेजी भी है और फाइनेंस भी है, लेकिन अगर उसको मैनेज करने वाला कोई नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करने वाला कोई पर्सन नहीं है, तो आप बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चला सकते हैं। तो तीन चीजों को इंक्लूड किया गया, फर्स्ट इज द फाइनेंस, सेकेंड इज द स्ट्रेटेजी एंड थर्ड इज द मैनेजमेंट। तो लिखा गया कि फंडामेंटल ऑफ बिजनेस के अंदर तीन पार्ट को इंक्लूड किया गया है, स्ट्रेटेजिक प्लस फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट। इन तीन चीजों को मिलाकर एक बिजनेस का फंडामेंटल बनता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, आगे लिखते हैं फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंक्शन क्या है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंशियल जब मैनेज करते हैं फाइनेंस को हम लोग, ठीक है, उस स्ट्रेटेजी के फंक्शन क्या है, किन किन चीजों को ध्यान रखते हैं हम लोग। हम लोग ध्यान रखेंगे हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो सके, हम लोग ध्यान रखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी को, हम लोग ध्यान रखेंगे कि फाइनेंस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियली इंटरनल कंट्रोल जो है वो प्रॉपरली मैनेज हो पाए। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है, फाइनेंशियल डिसीजन फंक्शंस इन्वॉल्व द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस है, फर्स्ट इज सर्च फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट जहां पर हमें अच्छा लगे, जहां पर रिटर्न ज्यादा हो, ठीक है, वो हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। जैसा हम लोग IPCC के अंदर भी पढ़ते थे कैपिटल बस्टिंग, उसके अंदर भी हम लोग दो प्लान के अंदर कंपैरिजन करके देखते थे कि कौन सा कहां पर इन्वेस्ट करना हमारा बेटर है, ठीक है। तो वैसे हम लोग बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर देखनी है। फिर सेकेंड हमारा कहता है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। हमने पांच मान लीजिए कि पांच चीजें हैं जहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनमें से हमें निकाला कि बेस्ट जो है तीन जो है वो अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, तीन में से भी जो प्रॉफिटेबल ज्यादा है उस पे हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। अगला पॉइंट हमारा कहता है डिटरमिनेशन ऑफ ऑप्टिमम मिक्स ऑफ फंड फॉर द ऑप्टिमाइजेशन। देखिए क्या होता है, अपॉर्चुनिटी के अंदर बेस्ट मिक्स लगाना, ठीक है, कैपिटल मिक्स को बेस्ट लगाना, लाइक हमें कितना पैसा इक्विटी में रखना है, कितना डेट में रखना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितना लिक्विड एसेट के तौर पर हमें रखना है, इन सब चीजों को भी देखा जाता है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एक फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल मैनेज करना है। फिर हमारा पॉइंट कहता है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, एक अब जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट तो आपने कर दिया, उसका फ्यूचर क्या, फ्यूचर के डिसीजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन सब चीजों को देखकर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आगे लिखता है सिंस कैपिटल इज द लिमिटिंग फैक्टर्स द स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हाउ लिमिटेड फंड्स आर एलोकेटेड बिटवीन अल्टरनेटिव यूज। बताता है कि कैपिटल आपके पास लिमिटेड है, तो स्ट्रेटेजिक फंक्शन जो है वो आपको ये बताता है, ये सिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे अल्टरनेटिवली यूज किया जाए, ठीक है। इसे बेसिकली एजेंसी थ्योरी का नाम दिया गया। एजेंसी थ्योरी क्या कहती है आपकी, एजेंसी थ्योरी कहती है
कि भैया जो आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो चार चीजों पर डिपेंड है, ठीक है, और वो चार चीजों का जो रिजल्ट है वो क्या है, वो है एनपीवी को हायर करना, एक तरह से एनपीवी को बढ़ाना, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनपीवी। वो चार चीजें कौन कौन सी है जिस पर हमारा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एजेंसी थ्योरी जो है वो कहती है, एजेंसी थ्योरी कहती है कि चार चीजों पर आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है, चार पिलर कह सकते हैं आप, ठीक है, पिलर्स का रिजल्ट क्या है, एनपीवी को मैक्सिमाइजेशन करना। अब वो चार चीजें कौन कौन सी है, कहता है मैथमेटिकली देखा जाए तो फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर डिपेंड करेगा, डिविडेंड डिसीजन और पोर्टफोलियो डिसीजन। अब आते हैं इन सब के डिस्क्रिप्शन पर। फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, द डिसीजन डील विद द मोड ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ मिक्स, कितना इक्विटी और कितना डेट रखना है आपको अपने कैपिटल के अंदर, ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजन बेसिकली ये बताता है कि आपको कितना कैपिटल मिक्स रखना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको यूटिलाइजेशन किस अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, इन्वेस्ट कहां करना है, यो चीजों को बताता है कब कब करना है। डिविडेंड डिसीजन कितना डिविडेंड जो है आप अर्न कर पाएंगे, ठीक है, कितना डिविडेंड जो आप अर्न कर पाएंगे। द डिसीजन डिटरमाइन द डिविजन ऑफ अर्निंग बिटवीन पेमेंट्स टू शेयर होल्डर एंड री इन्वेस्ट, मतलब कितना अर्न कर पाएंगे उसके बाद में बताता है कि कितना आपको एज ए ग्रोथ ग्रोथ के लिए आप रिटेन करेंगे, ठीक है, रिटेन करेंगे तभी ग्रोथ हो पाएगी। तो ये डिविडेंड डिसीजन जो है वो ये चीज बताता है, पोर्टफोलियो बताता है कहां कहां अल्टरनेटिव आप जैसे कह सकते हैं। दिस डिसीजन इन्वॉल्व इवेल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस, एक इवेल्यूएट करता है बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट परफॉर्मेंस, जो इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट अपने आपके पोर्टफोलियो में होते हैं जो ज्यादा रिटर्न देते हैं तो कुछ होते हैं जो कम देते हैं, तो उनको मैनेज करना, उनको डिसाइड करना कि कौन सा पोर्टफोलियो हमारे लिए सुटेबल है, उन सब चीजों को पोर्टफोलियो डिसीजन के अंदर कवर किया गया है। तो बेसिकली अब तक हमने पढ़ा कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फंक्शंस के अंदर हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी, उसके बाद में पढ़ा कैपिटल मिक्स, उसके बाद में हमने पढ़ा इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बनाना है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चुनाव करना है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो एजेंसी थ्योरी है, एजेंसी थ्योरी कहती है कि जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है, चार चीजें हमारी फाइनेंशियल डिसीजन, उसके बाद में हमारा डिविडेंड डिसीजन, पोर्टफोलियो डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी एट डिफरेंट लेवल। स्ट्रेटेजी एट डिफरेंट लेवल क्या बताता है कि हम लोग सब बचपन से पढ़ते हैं एसएम के अंदर, आईपीसीसी में जो एसएम थी उसके अंदर हमने बचपन से पढ़ा है कि स्ट्रेटेजी जो है तीन जगह पर, तीन लेवल होते हैं हमारे स्ट्रेटेजी के, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल, ठीक है, इन तीन लेवल पर हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है। कॉर्पोरेट लेवल पर कैसे स्ट्रेटेजी काम करती है, कॉर्पोरेट लेवल पर बेसिकली तीन क्वेश्चंस हमारे सामने राइज होते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो सुटेबल है, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद में उसकी जो है फिजिबिलिटी कितनी है, स्ट्रेटेजी की फिजिबिलिटी कितनी और एक्सेप्टेबिलिटी कितनी रहेगी। तो तीन चीजें कॉर्पोरेट लेवल पर जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हमारे सामने आती है कि एक तो सुटेबिलिटी कितनी है, हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग वो कितना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितना सूट करती है हमारी स्ट्रेटेजी को। फिजिबिलिटी के अंदर बताता है कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, और एक्सेप्टेबिलिटी बताती है शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स जो है क्या इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर पाएंगे, क्या इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर पाएंगे। पढ़ते हैं, वेदर द स्ट्रेटेजी, सुटेबिलिटी बताता है वेदर द स्ट्रेटेजी वुड वर्क फॉर द कंप्लायंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जैसा कि मैंने बताया ऑब्जेक्टिविटी पर डिपेंड करती है, फिजिबिलिटी बताती है रिसोर्सेज और एक्सेप्टेबिलिटी बताती है। इट इज कंसर्न विद द स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन एंड कैन बी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ऐसा पूछ सकता है। बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी क्या होती है, बेसिकली बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी आपको बताती है ऑपरेटिंग यूनिट जो है आपकी और डेवलपिंग यूनिट जो है उन दोनों को कंबाइन करके कैसे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देखिए पढ़ते हैं, एट द बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी इश्यूज आर अबाउट प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट एंड डेवलपिंग यूनिट, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है एंड सस्टेनिंग ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट आर प्रोड्यूस्ड, जो वो आपके डिपार्टमेंट्स है जो आपके ऑपरेटिंग जो काम कर रहा है, ठीक है, या डेवलपिंग जो फेज है वहां पर जो काम हो रहा है, डेवलपिंग यूनिट जो है वहां पर काम हो रहा है, इन दोनों को कंबाइन करके आपको एक आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड लेवल हमारा फंक्शनल लेवल, जो लोअर लेवल है उसको फंक्शनल लेवल कहा गया है, ठीक है। फंक्शनल लेवल के अंदर हम लोग देखते हैं
कि फंक्शनल लेवल क्या होता है, बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया हमारा, ठीक है, और जो प्रोडक्शन हो गया हमारा, प्रोडक्ट मिक्स जो हो गया, लेवल हो गया, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बात करता है, पढ़ते हैं। द फंक्शनल लेवल इज द लेवल ऑफ द ऑपरेटिंग डिसीजन एंड डिपार्टमेंट्स, जहां पर ऊपर से लिए गए डिसीजन को इंप्लाई किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। द स्ट्रेटेजी इश्यू एट द लेवल आर रिलेटेड टू फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस, यहां पर प्रोसेस है, वहां पर तीन चीजें थी, कॉर्पोरेट लेवल पर तीन चीजें थी, ठीक है, कि शेयर होल्डर्स को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग है, ऑब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद में और फंक्शनल लेवल पर क्या है, जो स्ट्रेटेजी उन्होंने बना दी, अब उसको कैसे अडॉप्ट करना, कैसे चलाना है उसको, ठीक है, वहां उसके बारे में बात करता है। बेसिकली यहां पर, यहां से पढ़ता हूं मैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन हायर लेवल स्ट्रेटेजीज बाय प्रोवाइडिंग इनपुट टू द बिजनेस यूनिट लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, इनपुट देते हैं बेसिकली, सच एज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कस्टमर्स फीडबैक, जैसा कि मैंने बताया लोअर लेवल की स्ट्रेटेजी है, ऑन द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑन विच द हायर लेवल स्ट्रेटेजीज कैन बेस्ड, हायर लेवल की जो स्ट्रेटेजीज है वो किस पर बेस्ड होगी, जो यहां से इनपुट मिलेगा, जो यहां से फीडबैक मिलेगा, उस पर बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। लोअर लेवल पर अगर मान लीजिए आपका कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो क्यों नहीं दिखा रहा, उन रीजंस को नोट किया जाए और उसको ऊपर भेजा जाए, जब ऊपर भेजा जाएगा तो ऊपर के लोग उस पर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो बेसिकली फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी जो है वो इनपुट देती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए। वंस द हायर लेवल स्ट्रेटेजी डेवलप्ड, हायर लेवल स्ट्रेटेजी जब बना दी जाए, द फंक्शनल यूनिट ट्रांसलेट देम टू डिस्क्रीट एक्शन प्लान, फंक्शनल लेवल पर उसका एक्शन प्लान किया जाता है, दैट ईच डिपार्टमेंट और डिविजन मस्ट अकम्प्लाइज फॉर द स्ट्रेटेजी टू सक्सेस, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। फिर इसके अंदर टॉप डाउन मैनेजमेंट के बारे में बताता है, द टॉप डाउन एंड बॉटम अप इंटरेक्शन ऑफ प्लानिंग, ये बहुत जरूरी है कि नीचे के लोग जो है वो ऊपर के हायर मैनेजमेंट तक कम्युनिकेट कर सके, अपने सजेशंस दे सके, अपने व्यूज दे सके, ठीक है, वैसे ही टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन उन लोगों पर वैसे ही पहुंच सके जैसा उन्होंने लिया, बीच में तोड़ मरोड़ ना किया जाए, ठीक है। फिर कहता है देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के तीन कंपोनेंट बताए गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स एंड गोल्स, ठीक है। फिर आता है द सिलेक्शन ऑफ द मेजरिंग अगेंस्ट डिपेंड्स अपॉन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, इन सबका कैसे सिलेक्शन करना है ये हमारे ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड रहता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, दोनों का कैसे मैश किया जाता है, दोनों को कैसे साथ में चलाया जाता है, इस चीज को हम लोग आगे पढ़ते हैं। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड प्रमोट ए न्यू एक्सपेंशन प्रोजेक्ट विदाउट ए सस्टेनेबल इंटरनल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल बेस और बोथ, कहता है बेसिकली कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज के बिना, दोनों टाइप के रिसोर्सेज का होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को आपको सेलेक्ट करना है, कि कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान क्या है, वन मिनट, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन प्लान, ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है, मार्केट मिक्स को सेलेक्ट करना है, कैपिटल मिक्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो फाइनेंशियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है, ए प्लानर हैज ए फ्रेम पॉलिसी, एक प्लानर जो है पॉलिसी को फ्रेम करता है फॉर रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, वो फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करे इसलिए रेगुलेट करता है, एंड फॉर रिटेनिंग ऑफ करंट एसेट, कितना उसको फिक्स एसेट में लगाना है, कितना करंट एसेट में लगाना है, यानी कि जैसा मैंने कहा लिक्विड एसेट में रखना है। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मोटेड बाय द डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, अलग अलग बिजनेस यूनिट्स है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल है वो भी अलग अलग होंगे, यही कह रहा है हमारा। फिर कहता है इसके अंदर जो है पॉलिसी जो होती है हमारी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो है, फाइनेंशियल पॉलिसी जो है, इसके अंदर कुछ चीजों को ध्यान में रखकर इसको बनाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। आप इवेल्युएट करें अपने प्रोजेक्ट को कि प्रोजेक्ट कितना रिटर्न दे सकता है, ठीक है, कहां पर कौन से प्रोजेक्ट में फंड को रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं जिस प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है जिसको फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ उसी को फंड अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो और फंड की रिक्वायरमेंट हो, वो दोनों चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, वैसे प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करें या, ठीक है, और ऐसे में आप फंड को एलोकेट करेंगे। फिर एक पॉलिसी आती है हमारी डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है,
डिविडेंड पॉलिसी के अंदर बेसिकली क्या है, बताता है कि कितना डिविडेंड आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना डिविडेंड आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना डिविडेंड आपको रिटेन करना है। आप जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके जो शेयर की प्राइस है वो बेसिकली कहीं ना कहीं गिरेगी, क्योंकि आप पैसे को रिटेन नहीं रख रहे हैं। फर्दर बिजनेस के लिए अगर आप पैसा रिटेन करते हैं तो आपके जनरल रिजर्व है वो बढ़ते हैं और आपकी शेयर की प्राइस बढ़ती है। आप अगर डिविडेंड को रिटेन रख रहे हैं तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो इन्वेस्टर जो है उसके अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा, उसको हायर रेट पर परचेज करना चाहेगा। लेकिन अगर आपकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की पॉलिसी है तो कहीं ना कहीं आपका प्राइस जो है वो लोअर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो अर्निंग आती है उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बेसिकली ये आपकी ग्रोथ कितनी होगी, हम लोग देखें, अगर ग्रोथ देखें तो मार्केट की ग्रोथ जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप अपना जो रिटेंशन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो है ग्रोथ आ जाएगा बेसिकली। तो डिविडेंड पॉलिसी यही बताती है कि कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो डिसीजन हमें लेना, जिसको शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स जिसे हमने कहा वो एक्सेप्ट कर सके और आपकी प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी, ठीक है। ये चीज बताता है। मैक्सिमम डिविडेंड अगर आप पर शेयर देते हैं तो आपका प्राइस कम हो जाएगा। तीन चीजें इसमें इंक्लूड करी गई है, तीन टाइप के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल तीन टाइप के कौन कौन से, फॉर न्यू बिजनेस, आप नए बिजनेस में पैसा लगाएं, एडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसको आप बढ़ाएं, अपने मुकेश अंबानी जी की तरह, ठीक है। अब आप टेलीकॉम सेक्टर में, पावर सेक्टर से पेट्रोलियम सेक्टर से टेलीकॉम सेक्टर में भी आ गए, एडिशनल सेक्टर एडिशनल में बढ़ाना। फिर कॉस्ट कटिंग ऑफ इन एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही कॉस्ट कटिंग करना, मतलब अपने खर्चों को लिमिटेशन करना जिससे आप अपने रिटर्न बढ़ा सकते हैं। आप पीएनएल में कहने की खर्चों को कम करेंगे तो आपका प्रॉफिट कहने में बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कम नहीं कर देंगे ना। इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है, मतलब हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कॉस्ट कटिंग अपना करनी है। आगे कहते हैं बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल वाइस वर्सा सब्सटेंशियल ग्रोथ। क्या होता है देखिए, What makes an organization financial substance? Financial substance क्या होता है basically? एक position आ जाती है जहां पर आप जो है sustainable हो जाते हैं, रुक जाते हैं कहीं ना कहीं, एक level कह सकते हैं आप लोग कि एक level आपका achieve हो जाता है, ठीक है। तो कहता है What makes an organization financial sustainable? क्या है जो organization को sustainable बनाता है? To be financial sustainable, an organization must have more than one source of income. एक से ज्यादा सोर्स होने चाहिए इनकम के, यानी कि एक तरह से मैं कहूं तो कहीं ना कहीं आपका जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया प्लस इन्वेस्टमेंट्स, दो सोर्स हो सकते हैं आपके। क्योंकि अगर मान लीजिए बिजनेस में मंदी है, ठीक है, आपके बिजनेस में, आपकी इंडस्ट्री में मंदी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दूसरा सोर्स जो है वो आपको इनकम देता रहेगा, जिससे कि क्या है आपका जो फाइनेंशियल पोजिशन जो है वो डाउन नहीं जाएगी। फिर बताता है मोर देन वन वे टू जनरेटिंग इनकम, एक से ज्यादा रास्ते होने चाहिए इनकम जनरेट करने के, यानी कि दो प्रोडक्ट आप लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर आप लोग इन्वेस्ट करें, मतलब पैसा लगाएं। फिर कहता है डू स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली, टाइम टू टाइम आप स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते रहें, ठीक है, स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहें, एक्शन प्लान्स को चेंज करते रहें, एक्शन प्लान्स को बनाते रहें, इनिशिएट करते रहें। हैव एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम, आपका पहले से जो है एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। हैव ए गुड पब्लिक इमेज, किंग फिशर की तरह नहीं होना चाहिए, किंग फिशर फाइनेंशियली एडिक्वेट नहीं है, फाइनेंशियल सब्सटेंस नहीं है उसके पास, ठीक है। टू बी क्लियर अबाउट इट्स वैल्यू, वैल्यू क्लियरिटी का मतलब बेसिकली क्या है कि कस्टमर्स वैल्यू, ठीक है, आपकी जो क्वालिटी वैल्यू है, आपकी जो मॉरल वैल्यूज है, इनको भी आपको क्लियर होना चाहिए। आप जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि कॉस्ट कटिंग करते टाइम आप क्वालिटी डाउन नहीं कर देंगे, ठीक है, तो उन वैल्यूज को समझना है आपको। है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, तो ये चार चीजें हैं। फिर कहता है The sustainable growth rate concept by Robert C. Higgins of a firm is the maximized return of the growth in sales that can be achieved. ये यही कहता है कि maximum जो rate of growth है वो क्या चीज, वो achieve करना, give the firm profitability. Firm profitability को बताता है, asset utilization को बताता है, asset utilization कैसे होगी। नीचे formula दिया इन्होंने कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसको मल्टीप्लाई कर दे 1 माइनस डिविडेंड पे आउट, यानी कि कहीं ना कहीं रिटेंशन से आप लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है। फिर कहता है प्रॉफिट मार्जिन्स ऑन न्यू एग्जिस्टिंग रेवेन्यू, एसेट टर्नओवर रेशियो, व्हिच इज द रेशियो ऑफ सेल रेवेन्यू ऑफ द टोटल एसेट, छोड़िए,
फिर आता है सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल अजम्पशन, इसके क्या क्या अजम्पशन है। मेंटेन टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट इश्यूइंग न्यू कैपिटल, आपका जो कैपिटल है जो अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, नई कैपिटल यानी नया पैसा नहीं लाएंगे। अगर मान लीजिए नया पैसा लाए, नया इन्वेस्टमेंट लाए, तो ग्रोथ तो अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये जो है ये प्लान कहता है कि आप रिटेंशन से, जो आपकी रिटेंशन मनी है, जो आपके रिजर्व्स हैं, उनसे आप पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो ये कहता है नई कैपिटल आपको नहीं लानी है। फिर कहता है मेंटेन टारगेट डिविडेंड, जितना डिविडेंड आपने डिसाइड किया है उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं देंगे। अगर उससे ज्यादा डिविडेंड दिया तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ रेट जो है, आपका रिटेंशन मनी जो है, रिटेंशन कम हो जाएगा। जब रिटेंशन कम होगा तो ग्रोथ कम मिलेगी, रिटर्न कम मिलेगी बेसिकली, ठीक है। इंक्रीज सेल एंड रेपिडली एज मार्केट कंडीशन अलाउ, आप सेल्स को बढ़ा देंगे जैसे जैसे मार्केट आपकी रिक्वायरमेंट आती है, आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे जैसे जैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। तो इन अजम्पशंस के बेसिस पे काम करता है। व्हाट मेक एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, क्या क्या चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाती है। इन ऑर्डर टू सस्टेनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या होना चाहिए, हैव अ क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मैनेजमेंट, जैसा कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते ना हमने पढ़ा था, अच्छा मैनेजमेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो डायरेक्शन देने वाले लोग जो स्ट्रेटेजिक बनाते हैं वो लोग अच्छे होने चाहिए, वो लोग होने चाहिए बेसिकली, ठीक। इट्स एनवायरमेंट टू कॉन्टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, वर अपॉर्चुनिटीज जो है उसको आप आइडेंटिफाई करें। अगला पॉइंट कहता है बी एबल टू अट्रैक्ट मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ, अपने स्टाफ को रिटेन रखें। देखिए जितना पुराना स्टाफ होगा ना उसके हाथ में उतना ही कहते हैं ना कि ग्रोथ, ठीक है, वो उतना परफेक्ट होता जाएगा। जो स्टाफ परफेक्ट होगा तो उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, जिससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। हैव एन एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि हम लोग ऊपर भी बता चुके हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आपने बनाने हैं, ठीक है, जिससे कि आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को मैनेज कर पाए। फिर उसके बाद में बी एबल टू डिमोन्स्ट्रेट इट्स इफेक्टिव एंड इम्पैक्ट इन ऑर्डर टू लिवरेज फर्दर रिसोर्सेज, जो डिमोन्स्ट्रेट करने वाले इफेक्ट्स हैं उसको आप लोअर लेवल पर लाएं। फिर कहता है गेट कम्युनिटी सपोर्ट फॉर एन इन्वॉल्वमेंट इन इट्स वर्क, जो आपके साथ के लोग हैं उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये वही चीज कहता है गेट कम्युनिटी सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन इट्स वर्क, जो लोग आपके काम में इंटरेस्ट दिखाते हैं वो आपके काम को सपोर्ट भी करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कहता है ग्रोथ कैन कम फ्रॉम टू सोर्सेज, इंक्रीज वॉल्यूम एंड इन्फ्लेशन। ग्रोथ जो है दो चीजों से इफेक्ट होती है, दो चीजों से आती है, या तो आप वॉल्यूम को बढ़ा दें या इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। द इन्फ्लेशन इंक्रीज इन एसेट मस्ट बी फाइनलाइज्ड थ्रू इट वर रियल ग्रोथ, बेसिकली एसेट्स का बढ़ना, सेल बढ़ना, एक तरह से मैं कहूं तो हो सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो उतनी कॉस्ट भी लगती है, लेकिन बेसिकली एसेट्स का बढ़ना जो है वो आपकी रियल ग्रोथ है एज पर दिस चैप्टर, कि एसेट्स आपकी बढ़ी। मान लीजिए एसेट बढ़ने का मतलब हो गया आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा, आपका कैश बढ़ा, आपका फिक्स एसेट में बढ़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एसेट्स बढ़ रही है उसको रियल ग्रोथ माना गया है और ऐसा होता भी है। फिर कहता है इन्फ्लेशन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड इंक्रीज द डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो को बढ़ाता है। When this ratio is measured on historical cost basis, कब बढ़ाता है, जब historical cost basis पर measure किया जाए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो आपकी assets बढ़ गई है, ठीक है। तो दूसरी साइड में जो है आप historical cost method use कर रहे हैं, ठीक है, तो assets का value जो है आप लोग cost पर ले रहे हैं, पुरानी cost पर ले रहे हैं, इस वजह से कह रहा है debt equity ratio को बढ़ाता है। Thus if creditors required that a firm historical cost debt equity ratio say constant इन्फ्लेशन लोअर द फर्म सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, जिन फर्म्स की इन्फ्लेशन लोअर है वो सस्टेनेबल रहेगी, जिनका डेट इक्विटी रेशियो हिस्टोरिकल पर मेजर किया जाता है बेसिकली, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो कवर कंप्लीट होता है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एक चैप्टर और रह रहा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, वो मैं अगले वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, अच्छा रिस्पांस मिले, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि कुछ काम आ सकता है मेरे, जो आप आपके लिए जो हेल्प करने का जो वे है, ठीक है। तो आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।